को छोड़कर चला गया जंगल में, जिसके बाद आरिफ काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं किस तरीके से आरिफ के बिना ये उड़ गया है और ये देखिए जंगल की तरफ, सीधे तौर पर जंगल की तरफ। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर ये है कि आरिफ का जो दोस्त है सारस, जो इनके पीछे पीछे आ रहा है, वो गायब हो चुका है। ऐसा मैं नहीं, ऐसा आरिफ स्वयं कह रहे हैं। हमारी टीम पहुंची थी शूट करने के लिए आरिफ के घर पर, जिसके बाद ये खेत में गया था, वहां से वापस आया। देन हमारी टीम ने कहा कि इसको आप लेके चलो रूट पर जहां पे हम लोग इसे शूट करना चाहेंगे, जिसके बाद इन्होंने इसको खाना खिलाया, घर पर लेकर गए खाना खिलाने के लिए। खाना खिलाने के बाद इसको लेकर जाया जाएगा उड़ाने के लिए, और फिर अंदर लेकर गए इसको। आप देख सकते हैं किस तरह से अंदर जा रहा है ये, और ये आप कह सकते हैं कि इसकी आखिरी उड़ान साबित हो सकती है, जिसके बाद ये पक्षी शूटिंग के दौरान ही उड़कर चला गया। आरिफ ने काफी कोशिश की इसको ढूंढने की, लेकिन ये मिलने का नाम नहीं ले रहा है। और बाद में आप वीडियो में देखेंगे किस तरीके से ये हम लोग शूट करने से पहले ही ये उड़ गया था। उससे पहले हमने कुछ शूटिंग की, उसके साथ कुछ समय बिताया। देखिए आरिफ लेकर आ रहे हैं, ये आप कह सकते हैं रोटी है, ये रोटी लेकर आए इसको खिलाने के लिए, क्योंकि हम लोग शूट पे जाना चाह रहे हैं। ये थोड़ा मेहनत करेगा, उड़ान भरेगा 1-2 किलोमीटर तक। ऐसे में ये आप देख सकते हैं अभी रोटी खा रहा है ये। इसके बाद हम इसको लेकर बाहर निकलते हैं, जिसके बाद ये उड़कर निकल जाता है, यानी शूट होने से पहले ही ये उड़कर जंगल में चला जाता है, जिसकी तलाश आरिफ करते हैं। आरिफ को काफी ज्यादा टेंशन हो जाती है, क्योंकि आरिफ का कहना है कि अभी कुछ दिन पहले ही अखिलेश यादव आए थे। एक तरह से इस सारस की दोस्ती से आरिफ जो है एक स्टार बन गए हैं। आप सोशल मीडिया पे देख सकते हैं लगभग 300 से भी ज्यादा चैनलों को इन्होंने अपना इंटरव्यू दिया है। पूरे देश से लोग आए, पूरी दुनिया के लोगों ने इनको देखा, लगभग बीबीसी तक, या आप कह सकते हैं ब्रिटिश कंपनी है बीबीसी, उन्होंने भी इनको कवर किया है। ऐसे में जब हम लोग इनको बाहर लेकर निकले, जैसे ही अभी आप देखेंगे, जैसे ही हम बाहर निकलेंगे, ये सारस अपने आप शूट होने से पहले, यानी वीडियो बनाने से पहले ये उड़ जाता है, जिसके पीछे आरिफ दौड़ते हैं, लेकिन इसे पकड़ नहीं पाते हैं और ये उड़ जाता है। जिसके बाद क्या हुआ आप पूरा वीडियो देखें, वीडियो में देखेंगे किस तरह से ये यहाँ से निकल कर जा रहा है। तो अब मैं आगे की जो सीन दिखाऊंगा वो आपको बाहर का सीन दिखा रहा हूं। आप देख सकते हैं किस अब जिस तरह से आरिफ सोच रहे हैं कि अब ये देखिए अपने आप उड़ गया। आप देख सकते हैं किस तरह से, ये देखिए आरिफ के बगैर उड़ गया ये। इस वीडियो में आप देख सकते हैं आरिफ किस तरह से इसको रेडी कर रहे हैं उड़ान भरने के लिए, कि ये इनके पीछे उड़ेगा, इनका दोस्त है। लेकिन आप देखिए कैसे ये पहले अलर्ट हो रहा है धीरे धीरे, और फिर अंत में ये अपने आप ही देखिए किस तरीके से आरिफ इसको पकड़ रहे हैं। और ये देखिए अब ये देखिए आरिफ को छोड़कर ये आरिफ के बिना कैसे उड़ गया। देखिए अब आप देख सकते हैं किस तरीके से आरिफ को छोड़कर चला गया, जिसके बाद मेरे कैमरे ने इसका पीछा किया सारस का। अब देखिए ये देखिए हमारा कैमरा इसके पीछे जा रहा है और ये जंगल की तरफ उड़ गया, जिसके बाद कैमरा थोड़ा सा इस तरफ घुमा, देन हमने दोबारा वापस घुमाया और देख सकते हैं किस तरह से छोड़कर चला गया। और ये देखिए बिल्कुल उसका पता नहीं लगा वो कहां पर उड़कर चला गया है। आप देख सकते हैं इस वीडियो में साफ तौर पर। उससे पहले हमारी टीम ने कई दिन पहले जब हम लोग फर्स्ट टाइम गए थे आरिफ के पास, तो कुछ ड्रोन शॉट लिए थे। आप इसमें देख सकते हैं कि किस तरह से इनको पीछा करता है ये। आरिफ का दोस्त आरिफ के पीछे लगा रहता है, लेकिन जिस तरह से वीडियो में आपने देखा कि आरिफ को छोड़कर ये दोस्त चला गया है, जल्दी हम आरिफ से संपर्क करेंगे और आपको बताएंगे कि ये वापस आया कि नहीं आया है। तब तक आप इस वीडियो को एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो को लगभग सभी चैनलों ने अपने उस पर चलाया है, अपने चैनल पर, जो बड़े मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो बड़े चैनल है हमारे देश के, उन्होंने भी इस वीडियो को यूज किया है अपने चैनल पर। तब तक आप इसको साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से ये आरिफ के पीछे लगा हुआ है, और इसमें कोई एडिटिंग नहीं की है। आप देखेंगे इसको कुछ दूर आगे जाकर ये सारस रुक जाता है, जिसे आरिफ दोबारा से उठाकर लेकर आते हैं वहां से। ये देखिए किस तरीके से ये आरिफ यहाँ रुक गए और ये आगे निकल गया, जिसके बाद हमारा कैमरा भी इसका पीछा करता है और फिर आरिफ जो है इसको उठाकर लेकर आएंगे। आप देखते रहिए इस वीडियो के अंदर। अब देखिए वहां जाकर रुका है, लगभग आरिफ से करीब 50 मीटर आगे जाकर ये खड़ा हो गया और ये आगे की तरफ जा रहा है शायद। ये देखिए आगे की तरफ जाने लगा है, और अब यहाँ पर एक गाड़ी वाला निकल रहा है, जिसके डर से ये निकल गया। लेकिन अभी जो है मुझे लगता है आरिफ भी पहुंच गए। देखिए आरिफ यहाँ पे पहुंच गए हैं, इसको पकड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी आरिफ को छोड़कर ये जा रहा है, आगे जा रहा है। मुझे लगता है रोड की वजह से ये थोड़ा सा डर रहा है, क्योंकि गाड़ियां इस पे चल रही है, और अब आरिफ भी जा रहे हैं इसको लेकर आएंगे। अब देखिए ये किस तरीके से आरिफ भागते हुए जा रहे हैं,
जो सारस इनका दोस्त है, देखिए ये यहाँ पर गए, इसको उठाकर लेकर आएंगे, ये देखिए जा रहा है, और अब इसको पकड़ कर लेकर आए यहाँ पर, और देखिए किस तरीके से इसको लेकर आए हैं। और अब जो है ये दोबारा से गाड़ी चलाएंगे अपनी, मतलब बाइक अपनी चलाएंगे, और जिसके बाद आप फिर से देखेंगे कि आरिफ के पीछे किस तरीके से उड़ता है। थोड़ा सा ये अलर्ट हो रहा है, अब देखिए किस तरीके से, ये देखिए दौड़ने लग गया। अब देखिए देखिए किस तरीके से आरिफ का दोस्त आरिफ के पीछे दौड़ रहा है, आप देख सकते हैं कितना अच्छा सीन है ये। देखिए मैं, ये देखिए अब फाइनली अभी तक दौड़ रहा है ये, लेकिन अब इसने उड़ना शुरू कर दिया है। तो यानी एक बड़ा, आप देख सकते हैं किस तरीके से ये आरिफ का पीछा कर रहा है और काफी दूर तक आरिफ के पीछे लगा रहता है। ये वीडियो मैं आपको फिर से बताऊं, ये वीडियो बहुत ही पहले का है, मतलब मैं जब फर्स्ट टाइम आरिफ से मिला था मेरे चैनल पे, पहली बार जब ये वीडियो चला। देखिए आरिफ को किस तरह टच कर रहा है, ये देखिए बहुत ही प्यारा सीन है ये, और ये विदाउट एडिटिंग है, इसमें कहीं भी कोई भी एडिटिंग नहीं है। और किस तरीके से ये देखिए आरिफ आरिफ जो है आरिफ के साथ चल रहा है ये सारस, और जिसके बाद ये वीडियो वायरल हो गया था और देश भर की तमाम मीडिया